हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको एपी कल्चर या मधुमक्खी पालन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रॉयल जेली ऑफ हनी बी इज द फूड गिवन टू, मतलब जो रॉयल जेली होता है वो हनी बी का एक भोजन है जो दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है क्वीन, ड्रोन, वर्कर्स एंड लार्वा फॉर फर्टिलिटी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वीन बी, यानी कि जब कोई लार्वा रॉयल जेली को खाता है तो वो क्वीन बी में बदल जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन हनी बी रॉयल जेली इज सेक्रेटेड बाई, यानी कि मधुमक्खियों में रॉयल जेली का श्रावण कौन करता है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, पहला है क्रॉप ग्लैंड, दूसरा है वैक्स ग्लैंड, तीसरा है सेलिवरी ग्लैंड, चौथा है फायरेंजियल ग्लैंड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है फायरेंजियल ग्लैंड, यानी कि फायरेंजियल जो होता है ग्लैंड, इसी के द्वारा रॉयल जेली का सेक्रेशन होता है। अगला देखते हैं, द साइंटिस्ट हु डिकोडेड द लैंग्वेज ऑफ बी एक्सप्लेन दियर डांस फॉर कम्युनिकेशन एंड वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर इट वाज। यानी कि एक साइंटिस्ट जिन्होंने मधुमक्खियों के लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि अपना कम्युनिकेशन एक डांस के माध्यम से करते हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो साइंटिस्ट हैं। ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स डार्विन, विलियम हार्वे, कार्ल वॉन फ्रिस एंड कैरोलस लिनियस। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है कार्ल वॉन फ्रिस। तो कार्ल वॉन फ्रिस ने क्या किया था? मधुमक्खियों का लैंग्वेज डिकोड किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, यानी कि केंद्रीय बी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पुणे, बेंगलोर, दिल्ली एंड शिमला। तो इसमें करेक्ट आंसर है पुणे। पुणे में सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट हनी बी इज, सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा एंड एपिस डॉर्साटा। तो इसमें जो सबसे बड़ी होती है हनी बी, उसको हम लोग बोलते हैं रॉक बी, या उसको बोलते हैं एपिस डॉर्साटा। और जो सबसे छोटी मधुमक्खी होती है वो होती है एपिस फ्लोरिया, और इंडियन कॉमन जो मधुमक्खी होती है उसको बोलते हैं एपिस इंडिका, और एपिस मेलिफेरा जो होता है ये यूरोपियन बी होती है। तो लार्जेस्ट हनी बी में जो आएगा ऑप्शन वो होगा सी, एपिस डॉर्साटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस इन विच द मेल डेवलप फ्रॉम अनफर्टाइल एग एंड द फीमेल फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज, यानी कि ऐसी पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस जिसमें जो मेल होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है, जबकि फीमेल जो होता है वो फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जब मेल बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं आर्हेनोटॉकी। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आर्हेनोटॉकी। अगर अनफर्टाइल एग से फीमेल का डेवलपमेंट होता है तो उसे बोलते हैं थैलियोटॉकी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम टेकन बाई क्वीन वर्कर एंड ड्रोन हनी बी टू कम्प्लीट दियर डेवलपमेंट आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि कितने समय में क्वीन बी, वर्कर और जो ड्रोन होते हैं वो कितने दिनों में कंप्लीट डेवलपमेंट कर लेते हैं, क्रम से बताना है। तो ऑप्शन दिया गया है ए में 16, 21, 24, बी में 11, 24, 29, सी में 24, 21, 15 और डी में 16, 11, 30। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ए में जो दिया गया है, क्वीन बी जो होती है वो 16 दिन में अपना कंप्लीट डेवलपमेंट करता है, वर्कर 21 दिन में, और सबसे ज़्यादा जो समय लगाता है वो है ड्रोन, 24 दिन में अपना मेटामॉर्फोसिस या कंप्लीट डेवलपमेंट पूरा करता है।